वर्तमान में जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डिपार्टमेंट के सचिव के तौर पर या फिर कमिश्नर इंडस्ट्रियल एमपी और एमपी स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर भी सर्वर्तमान करके सेवाएं दे रहे हैं। तो माननीय सर का जो जीवन है वो आप ही लोगों की तरह, जैसे आप में बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि एकदम लोअर या मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, आर्थिक रूप से जो सक्षम नहीं है, तो सर ये पहल हमारे माननीय कलेक्टर सर के माध्यम से उन्हीं बच्चों के लिए निःशुल्क सेवाएं शुरू की गई है सभी वर्गों के बच्चों के लिए। और सर के व्यक्तित्व से भी आप परिचित हो सकते हो कि सर जी किसी प्रकार से तेलंगाना के करीमनगर जिले के छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं सर, एक सामान्य परिवार से। तो सर का जीवन निश्चित ही आप लोगों के जीवन के लिए प्रेरणादायी साबित होगा। और मैं यहाँ पर निश्चित ही रविंद्रनाथ टैगोर जी की वो कविता लाइट ऑफ द लैंप ऑफ द लव की वो पंक्ति यहाँ पर दोहराना चाहूंगा कि टच मी बट वंस एंड आई विल चेंज, तुम मुझे छू लो और मैं बदल जाऊंगा। यहाँ पर छूने का मतलब है एक सफलतम स्पर्श, एक सफलतम व्यक्ति का अनुभव हमारे जीवन को निश्चित ही अग्रसर कर सकता है, आगे आने वाली कठिनाइयों में हमें प्रेरणादायी साबित हमारे लिए हो सकता है। जो कष्टों से ज्यादा जो हमें है सर ने सिविल सेवाओं में आईएएस के तौर पर विभिन्न प्रकार के पदों को कमिट किया है सर ने, और जहाँ भी रहे हैं निश्चित ही अपने कार्य से कमिट छाप छोड़ी है। तो माननीय सर सभी विद्यार्थियों की इच्छा थी कि आप अपने जीवन में जो आपने किस प्रकार से छोटे से गांव से निकलकर किस प्रकार से आईएएस बनने तक का सफर आपने तय किया, उसके दौरान किस प्रकार की चुनौतियों का सामना आपने किया और उनको कैसे दूर करते हुए अपने लक्ष्य के प्रति आप अग्रसर हुए, सभी विद्यार्थियों की इच्छा थी सर आपके जीवन से जाने की।
Thank you.
बॉडी का शेप और वजन है ना, बड़ा मनुष्य होता है उसको देखने में लगता है कि खाने वाला है बहुत सारे किलो है ना, तो बैडमिंटन खेलने वाला या फिर रनिंग करने वाला देखेंगे वो बलिष्ठ नहीं होता है, मोटा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, उसका वो जो है पतला होता है ना, है कि नहीं, दोनों में अंतर। तो दोनों में अंतर क्यों है, दोनों में अंतर इसलिए है कि एक ने चयन किया कि कभी व्यक्ति करूंगा, एक ने चयन किया है ना बैडमिंटन। तो दोनों खेलों के लिए जिस तरह की बनावट की आवश्यकता है उस तो तरह के बनावट के हिसाब से उनका रोजमर्रा ट्रेनिंग होता है। वेट लिफ्ट अगर खूब खाता है आप उसे पूछेंगे वो डेली जो है 20 किलो 20 रोटियां सुबह 20 अंडे अगर मांसाहारी है तो जो खाना है दूध खूब पीते हैं, आप एक बैडमिंटन प्लेयर से पूछेंगे तो वो तो आइसक्रीम नहीं खाते, जब पीवी सिंधु का आप देखेंगे तो आप थोड़ी सी उनको जब भी मेडल जीत के आ रहे हो आइसक्रीम खाती है, तो आइसक्रीम खाना मना है उसके लिए, क्योंकि जैसे ही फैट बढ़ेगा आपके शरीर में आपका जो है ना तो कुर्सी होने की जो कैपेसिटी है, आप हवा में उड़ के जो शॉट मारेंगे उसकी जो कैपेसिटी है आप बिल्कुल अपने आप को जो है फेदर की तरह आपको बनाना है, उसके लिए आपके अंदर जीरो फैट होना, जबकि वेट लिफ्टर के अंदर फैट होना है मजबूत वाला फैट होना है, तो वो जो खाएगा वो अलग नहीं है जो खाएगा अलग। तो वैसे ही हम जब किसी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं तो हम जिस परीक्षा के लिए हम तैयारी कर रहे हैं उस हिसाब से हमको अपना व्यक्तित्व का निर्माण करना, सिंपल सी बात है। अगर हमको यूपीएससी क्लियर करना है, अगर हमको पीएससी क्लियर करना है तो हमको वैसे ही व्यक्तित्व को के हिसाब से हम अपने आप को तैयार करें जैसे कि यूपीएससी या पीएससी हमसे चाह रहा है। तो हमारा पूरा प्रयास जो है व्यक्तित्व निर्माण में होना चाहिए, ना कि जो है कौन सा क्वेश्चन के लिए जवाब तैयार करूंगा, क्वेश्चन आपका जो है वहां पे प्रश्न के जवाब आप कैसे देंगे सही नहीं देखा जा रहा है, आपका व्यक्तित्व कैसा है वो देखा जा रहा है। तो इस बात से आप हट जाए कि मैं क्वेश्चन का जवाब सही दे रहा हूं कि मेरा मेरा जो है प्रश्न लिखने का तरीका सही है कि नहीं है, पहले उससे हट जाए, उस चीज को आप ट्राई कर, पहले आपको यह तय करना है कि आपका व्यक्तित्व उस हिसाब से हो रहा है कि नहीं हो रहा है जिसके लिए कॉम्पिटेटिव एग्जाम आपसे अपेक्षा होगा। तो क्या होता है व्यक्तित्व, क्या होता है व्यक्तित्व, व्यक्तित्व उस बात का जो जब हम स्कूल में है, जब हम कॉलेज में है, जब हम परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि क्या मैं आत्मविश्वास से भरा हूं कि नहीं भरा हूं, मेरे अंदर वो आत्मविश्वास है कि नहीं कि मैं जिस परीक्षा के लिए तैयारी कर रहा हूं मैं सफल हो जाऊंगा। तो हमको सबसे पहले आत्मविश्वास अपने अंदर भरना होगा कि मैं उस परीक्षा के लिए क्वालिफाई करूंगा। अब अपने सेल्फ डाउट जो है ना वो हटाना होगा, सेल्फ डाउट किस चीज के लिए हट जाएंगे, सेल्फ डाउट के लिए हट जाएंगे, क्या करना चाहिए सेल्फ डाउट को हटाने के लिए, पहली चीज आपको ये करना है कि आपको कम्युनिकेशन सही रखना है, कम्युनिकेशन ये पूरा जो युग जो चल रहा है, ये जो समय जो चल रहा है ये कम्युनिकेशन युग है, संवाद का युग है, संवाद का युग है। किस चीज का संवाद, कि मैं जिस चीज को जानता हूं उसको बेहतर तरीके से किसी के सामने प्रस्तुत कर सकता हूं, तो संवाद है। मैं जितना जानता हूं उतना मैं सबके सामने इंटरव्यू बोर्ड के सामने कोई मुझसे कुछ भी पूछे मैं अपनी अपनी बात को
सामने वाले के सामने उस तरह से प्रस्तुत करो जिससे वो मेरे बात से सहमत हो जाए। तो ये व्यक्तित्व होता है, यानी कि ये सेल्फ कॉन्फिडेंस की बातें हैं। तो हमको जो है ना पब्लिक स्पीकिंग, यानी कि जैसे मैं जो स्टेज पे खड़ा हूं बात कर रहा हूं बिना झिझक बात कर रहा हूं बिना डर का बात कर रहा हूं, ये सेल्फ कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास। तो आत्मविश्वास हमारे आत्मविश्वास हमको अपने अंदर पैदा करना है। बोर्ड क्या होता है, कैसे क्या प्रॉब्लम होता है, और दूसरे सिलेक्शन दूसरे एग्जाम में भी अपना सिलेक्शन हो गया है, वो आत्मविश्वास और बढ़ जाता है ना, हो जाएगा तो वाकई हो गया। नेक्स्ट स्टेप में मेरा सीधा प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू IAS हो गया। अब वो आते हैं चैलेंजेस और इनोवेशन में। तो चैलेंजेस और चैलेंजेस तो शुरुआत बचपन से तो चैलेंजेस देखे ही है, लेकिन हमारा जो जीवन है, हम सबका अलग अलग जीवन है। हम लोग अपने अपने पारिवारिक और सामाजिक पृष्ठभूमि से निकल कर आते हैं, है ना। हम सबका अलग अलग सामाजिक और पारिवारिक पृष्ठभूमियां है, आर्थिक पृष्ठभूमियां, जैसे कुछ लोग बिल्कुल ही गरीब होते हैं, कुछ लोग थोड़ा बहुत मिडिल क्लास के होते हैं, कुछ लोग अच्छे परिवारों से होते हैं, तो ये भी एक पृष्ठभूमि है। तो हमारी पृष्ठभूमि जो है जितना रिच होता है उतना ही हम मजबूत होते हैं। अगर कोई किसी ने कहा है कि बिल्कुल मैंने अपने जीवन में कोई स्ट्रगल ही नहीं देखा है और आप कहीं पहुंच गया, ऐसा असंभव है। जिसने स्ट्रगल्स नहीं देखा है वो कहीं पर पहुंच नहीं पाएगा, कहीं भी कोई नहीं पहुंच। जिसके जीवन में स्ट्रगल्स हैं वही कहीं पहुंचता है। अगर आपके जीवन में स्ट्रगल्स हैं, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, लड़नी पड़ रही है अपने परिवार के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने समाज के साथ, आप ये मान के चलिए आप मजबूत होते जा रहे हैं, आप कमजोर नहीं हो रहे, कमजोर मानसिक रूप से हो रहे। लेकिन जब हम हमारे स्ट्रगल्स को जो है चैलेंज के रूप में लेते हैं कि नहीं ये मेरे लिए ये वाला स्ट्रगल जो है अच्छा है, तो हम और मजबूत हो गए। जितने हमारे लिए हर्डल्स बनते हैं, रुकावट आती है, उतना ही उसको क्रॉस करते जाइए, आप और मजबूत होते जाएंगे और आत्मविश्वास बढ़ेगा। तो हमको हमेशा जो है आत्मविश्वास को ही बढ़ाते जाना है। अगर आपके अंदर आपके 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 लिए पैसा एक समस्या है तो उसको दूर करिए। आपको कोई रोक रहा है, आगे बढ़ने नहीं दे रहा, पढ़ने नहीं दे रहा, कोचिंग जाने नहीं दे रहा, आपको एग्जाम लिखने नहीं दे रहा, आपको हर्डल है वो, उसको क्रॉस करिए। तो ये सब चीजें जो है कहीं ना कहीं आपको आगे चलकर बहुत मजबूत बनाएंगे, और वही चीजें जो है आपको आपके आगे चलकर आपके जीवन में काम आएंगे। जैसे सिविल सर्विसेज में बीते 21 साल में मैंने 10 साल कलेक्टर रहा, चाहे वो कलेक्टर रहा हूं चाहे वो किसी और पद पर रहा हूं। जैसे लाडली लक्ष्मी योजना, मध्यप्रदेश का लाडली लक्ष्मी योजना का मैं ओरिजिनल राइटर हूं, ड्राफ्ट मैंने बनाया। तो हम जानते हैं कि एक सामाजिक हमारे सामाजिक परिवेश में बच्चों की क्या स्थिति होगी, हम लोग को देख कर आए हैं। ऐसा नहीं कि हम केवल पुस्तकों में पढ़े हैं या फिर मैगजीन में पढ़े, हमने बहुत वो देखा है कि लड़कियों की स्थिति क्या होती है, क्या रोकता है, क्यों क्यों पेरेंट्स जो है बच्चे को पैदा नहीं करना चाहती। तो वो जो सामाजिक पृष्ठभूमि है उसके आधार पर हमने योजना बनाई, तो सबसे सफल योजना बनी है अभी तक के मध्यप्रदेश के इतिहास। स्वच्छ भारत अभियान की हम बात कर रहे हैं, तो वो जो लोटा लेके गांव में बाहर आप शौच करने जा रहे हैं, वो परिस्थितियां हमने अपने जीवन में देखा है, तो उसको कैसे हम दूर करें, एक व्यवहार परिवर्तन बिहेवियरल चेंज कैसा लाया जा सकता है। समाज में अगर व्यवहार परिवर्तन करना है तो कैसे करना है, ये हमने कहीं सीखा नहीं है, हमारे अपने ही जीवन से हमने प्राप्त किया है, हमने अपने ही जीवन से महसूस किया है कि ऐसा करने से सामाजिक परिवर्तन आ सकता है।
तो जैसे मैंने कहा कि जितनी जितना हमारा पारिवारिक सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि है, जितना रिच पृष्ठभूमि रहेगा उतना ही बेहतर हम समाज के लिए सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। तो हमारा जो जो इनोवेशन है कहां से आता है? देखो इनोवेशन जो है, इनोवेशन जो है कहीं मिलता नहीं है, हमको अपने जीवन से निकालना पड़ता है। तो आप अगर समझ रहे हैं कि आपके जीवन में जो है बहुत कष्ट है, बहुत सारी समस्याएं हैं, आपसे ज्यादा कोई कष्ट कोई झेल ही नहीं रहा होगा, तो इससे आप निराश न हो। उसको कैसे पार करना है उसके बारे में सोचिए, कैसे पार करना, तब आप जो है मजबूत हो जाएंगे, तब आप अपने आप को जो है बेहतर व्यक्तित्व निर्माण आप करेंगे। निश्चित ही सिविल सर्विसेज में जब हम काम करते हैं तब भी बहुत सारे समस्याएं आती हैं, बहुत सारे प्रेशर्स रहते हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा है कि जितना हम मजबूत रहेंगे उतना ही हम उन कष्टों को, उन प्रेशर्स को, उन चैलेंजेस को पार कर लेंगे। बट एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे मैंने हमेशा जो है मेरे साथ काम करने वाले जितने भी लोग सबॉर्डिनेट्स हैं उनको स्ट्रेंथन करता हूं, टीम वर्क के साथ काम करने का प्रयास करता हूं, क्योंकि हर टीम का सदस्य बहुत महत्वपूर्ण है। मैं एक एग्जांपल देता हूं इसके बारे में। मेरे साथ एक लेडी ऑफिसर सामाजिक न्याय विभाग में डिप्टी डायरेक्टर थी सिडनी में, उनका लास्ट ईयर था सर्विस में, रिटायर होने वाली थी, तो सभी ये कहते थे कि वो मैडम को जो है काम करती नहीं है, वैसे भी उनका रिटायरमेंट है तो वो कुछ सुनती भी नहीं है। तो मैंने उनको बुलाया, मैंने बोला देखिए बेटी मैडम की, उनको बोला मैडम आप रिटायर हो रही हैं, मुझे बताया गया कि आप बहुत ज्यादा दुखी नहीं लेते हैं, बट मेरा एक रिक्वेस्ट है आपसे, जब आप रिटायर हो ही रहे हैं है ना, क्यों ना ऐसा करें कि आप अगर राष्ट्रपति का पुरस्कार लेके रिटायर हो, ऐसा कुछ करते हैं। तो बोले सर बिल्कुल मैं आप रिटायर हो रहे तो ऐसा कुछ करूंगी मैं। तो हमने सामाजिक न्याय विभाग के अंतर्गत ये जो पर्सन्स डिसेबिलिटीज पीडब्ल्यूडीज दिव्यांगों से संबंधित जो काम होता है उसको हमने टेकअप किया। तो हमने एक साल का एक कार्यक्रम बनाया कि हमारे जिले में सिवनी जिले में जितने दिव्यांग हैं उनका पूरा एन्यूमरेशन करना, यानी उनका सांख्यिकी रूप से उनका चयन करना और उनके लिए क्या क्या सुविधाएं हम दे सकते हैं, पूरे हमारे राज्य और केंद्र सरकार की योजनाएं क्या क्या है, उन तमाम चीजों को हम जो है चरणबद्ध तरीके से एक साल का कार्यक्रम बनाया और उसको इंप्लीमेंट किया। और वो महिला जो 35 साल काम नहीं की थी जैसे बताया गया, वो इतना मेहनत की उन्होंने कि वाकई जो है वो उनको मैं लेके गया और राष्ट्रपति पुरस्कार हम लोग दिल्ली से ले आए। मोटिवेशन आपको अपने अधीनस्थों पे, आपके साथ काम करने वालों को भरोसा करना चाहिए, क्योंकि वो ही उतना ही क्षमतावान है, वो भी पीएससी कुछ लिख के आई होगी ना, लेकिन उन्होंने किसी ने मोटिवेट नहीं किया उनको कि आप ये कर सकते, ये अच्छा है, ये समाज के लिए अच्छा है, आपके सर्विस के लिए अच्छा है। तो हमको हमेशा मोटिवेट करते हुए अपने टीम को आगे ले जाना होगा, तो निश्चित ही बहुत बड़े बड़े कार्य में भी हम कर सकते हैं और सफलताएं पा सकते हैं। थैंक यू। आप बताइए कोई क्वेश्चन हो तो उसका जवाब ले लो। हाँ आपका समय समय पर बताते जाए, देखिए आपका ये
की कमियां है, यहाँ आप ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं या फिर यहाँ अंडर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं, कोई ना कोई बताने वाला होना चाहिए, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, कि आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपका कोई ना कोई गुरु हो सकता है। तो इसलिए मैंने कहा है कि सबसे अच्छा होता है अपने फ्रेंड्स, जो बेझिझक आपको बताते हैं, आपके मुंह पे बता देते हैं कि आपने ये कमी है, उसको अदरवाइज नहीं लेना चाहिए, परंतु बेस्ट यही होता है। जैसे मैं तो हम लोग चार फ्रेंड्स मिलकर हैदराबाद में एक रूम लेके पढ़ाई करते थे और मैंने गवर्नमेंट स्टडी सर्किल से कोचिंग लिया, गवर्नमेंट स्टडी सर्किल से कोचिंग लिया, और लोग चार लोग रूम में पढ़ते थे, उसमें से एक मैं IAS में आया, दो IRS में सेलेक्ट हुए, एक का सिलेक्शन नहीं हुआ। तो हम लोग जो है एक हिस्ट्री में अच्छा था, एक ज्योग्राफी में अच्छा था, एक पॉलिटी में अच्छा था, एक दूसरे सब्जेक्ट में अच्छा था, तो हम लोग बांट लेते थे सब्जेक्ट और शाम को जो है वो एक घंटा बैठते थे एक दूसरे को, जिसने जो पढ़ा है उसको आपस में शेयर कर रहे थे। तो ये फ्रेंड्स जो होते हैं ना, अच्छे फ्रेंड्स का एक सर्कल बना लेते हैं, तो वो क्या है ना, वो एक लेवलर होता है, जैसे ही आप ऊपर हो वो नीचे कर देता है, आपको बिठा देता है आपके बाकी। और वैसे ही गुरु कोई ना कोई हो, तो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं। जनरली देखो जो जो हमारे अच्छा ही चाहता है वो अपने मुंह पे बता देता है कि यार तू ऐसा कर रहा है, हम तो अगर हम उसको मान के लेके चले तो हो सकता है कि हमारे अंदर जो ओवर कॉन्फिडेंस वो कम हो जाए, हमारे अंदर अंडर कॉन्फिडेंस वो उठ जाए, ऐसा कुछ प्रयास करना चाहिए। जी टेंशन का मतलब ये है कि हमारे एक्सपेक्टेशंस जो है ज्यादा हो गए हैं और हमारी क्षमता या फिर हमारी तैयारी उतना नहीं है, उसके बीच का जो डिफरेंस है वो टेंशन है ना। हो सकता है कि आप किसी और चीज के लिए बने हो सिविल सर्विसेज छोड़कर, क्या आपको समझना है क्वालिफिकेशन से रैंक मारना है, सिविल सर्विसेज एग्जाम है, जीवन नहीं है सिविल सर्विस। तो इसलिए मैंने क्या कहा है कि आप जो है कुछ और जॉब देख लो, आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, आप एक सेफ सिक्योर महसूस करेंगे, आप जो है ये मतलब आप अपना कुछ और ना ढूंढ कर केवल सिविल सर्विसेज के बारे में सोचेंगे ना, वो नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, मतलब हो भी सकता नहीं भी हो सकता है। आप 10 लाख लोग लिख रहे हो, 1000 लोग सेलेक्ट होते हैं, तो बाकी 9,99,900 लोग वो सेलेक्ट नहीं हो गए ना, हमको तो 1000 में रहना है। तो ये हो सकता है कि आप वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हो, इसलिए मैं कह रहा हूं विकल्प हमेशा रखो, विकल्प हमेशा रखो। आप सिविल सर्विसेज से जीवन मत समझना, वो एक एग्जाम है, जीवन अलग है, आपको जीवन जीना है, उसके लिए आपको जो है दूसरे और भी ऑप्शन ढूंढिए। हाँ मैं जैसे मैंने बताया ना कि अगर मैं ये सब नहीं बनता तो मैं साइंटिस्ट होता, आज मैं साइंटिस्ट जॉब करता रहता, तो विकल्प था यार, वो विकल्प था, एक अच्छा विकल्प ढूंढो, क्योंकि हर कोई नहीं बन रहा है ना ये सब सर, वो तो मतलब अभी 180 लोग बन रहे हैं, हमारे समय तो 56 लोग थे हम, आप इमेजिन करो कि 10 लाख लोग लिखे और 56 लोग ये सब सर बने, उससे से हम थे लकी, मतलब ये तो लकी डिप से भी ज्यादा मुश्किल हो गया। बट पॉइंट ये है कि हम मेरे पास जैसे मैंने कहा आत्मविश्वास, पहले आत्मविश्वास होना जरूरी है, उसके कोई और जॉब जरूर ढूंढ लेना, सिविल सर्विसेज जीवन नहीं है, ये बिल्कुल दिमाग में निकाल दूंगी, वो एक विकल्प है, ऐसा नहीं है दूसरे लोग तो और फील्ड में काम नहीं कर रहे हैं। सर बीच में
आप तो इसको मस्ती से करो, मस्ती मस्ती मार के जल्दी जल्दी तैयारी करो, एक जॉब को सॉल्व करो सीरियसली, है ना, वरना टेंशन ज्यादा हो जाएंगे, फालतू वाले टेंशन। भाई आज आज समाज में कितने सारे लोग कितना कुछ नहीं कर रहे हैं, आज तो इतने विकल्प हो गए, पहले इतने विकल्प नहीं होते थे जितने विकल्प आज हैं। तो आप ये नहीं समझना कि सिविल सर्विस जीवन है, नहीं, गलत, एक विकल्प है वो बस। और कर सकूं, तो मेरे कुछ फ्रेंड्स ने भी मतलब मुझे ऐसा टॉन्ट करा था कि
कि मतलब मेरे को बीए है, मुझे बीए से इतना बेस्ट करना है कि मतलब मैं इससे इम्प्रूव हो सकती हूँ और जो मतलब मैं यहाँ से बिलोंग करती हूँ वहाँ पर भी, और मैं सिंगल पेरेंट हूँ तो वहाँ पर ऐसा मतलब बोला जाता है कि गर्ल्स को सिर्फ आगे का खिलाना है। अगर मेरी मम्मी का कहना है कि मुझे बहुत ज़्यादा आगे आगे बढ़ना है और तो मतलब मेरे यहाँ के बच्चे वो पढ़ना चाहते हैं और मैं उनको भी एक इंस्पिरेशन करूँ कि उनके पेरेंट्स भी ये हैं कि मतलब सिर्फ ट्वेल्थ ही पढ़ाना है या फिर मतलब ऐसा करके मुझे मतलब सिर्फ सेकंड में ही बनना है, अपना एवरेज देना है कि मैं अपना पूरा 100% इसमें दे दूँ। तो आपको मेहनत करना है और इम्पोर्टेंट ये है कि बीटेक करे बीए करे उस पर कोई अंतर नहीं है, सिविल सर्विस आपको आपके पास कोई भी एक डिग्री होना तो आप कम्प्लीट कर लिया आपने? नहीं अभी मैं अंडर ग्रेजुएट हूँ तो मुझे बार बार एक मतलब ऐसा लगता है कि यार मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो बीटेक कर रहे हैं तो उनसे कोई लेना देना नहीं, और तैयारी करिए और जितने लोग आपको कांट किए हैं उनको एक दिन जवाब दीजिए। हाँ तो उसी से मुझे सबसे ज्यादा बिल्ड हुआ था कि मुझे नहीं मेरा एक मतलब एक टारगेट हो गया था कि मुझे अब सिविल सर्वेंट बनना है और बताना भी है कि और मेरे मतलब काफी जो भी मेरे मतलब भाई या सिस्टर्स वगैरह हैं उन्हें भी हाँ हम कर सकते हैं अब तो चाहे कुछ भी हो, बस आप आत्मविश्वास बढ़ा लीजिए है ना और मेहनत करिए ठीक है। आपको यहाँ पे जितने लोग हेल्प करते हैं आप? हाँ मैंने भैया दीदी लोगों को देखा है, मैं उनसे भी मतलब ऐसे खड़ी होती थी मतलब इतना डर लगता है ना मैं छोटी हूँ और इतने बड़े बड़े नॉलेजेबल हैं और काफी सारी बहुत मेरा आपसे सभी से कहना है कि इनकी हेल्प करिए ऐसे जिनको करना चाहते हैं है ना। मैं आपसे एक अच्छा एग्जाम्पल देता हूँ, मैं अपने जीवन के बारे में बताऊं तो ज्यादा ज्यादा गवर्नमेंट स्टडी सर्किल में पढ़ाई करते तो मेरा मेंस के लिए सिलेक्शन हुआ तो हमसे एक सीनियर थे जो चार साल से हर साल एग्जाम लिख कर देते ठीक है, उनके बाद बहुत अच्छा स्टडी मिली गया उनका एंथ्रोपोलॉजी का, तो एक दिन मैंने देखा वो पढ़ रहे थे उनके पास जो स्टडी मिली गया था किसी के पास नहीं, तो मैंने उनसे जाकर रिक्वेस्ट किया भैया वो स्टडी मटेरियल मुझे चाहिए पढ़ूंगा, बोला कि मैं तो नहीं ये मैंने 7 साल से मेहनत करके तैयार किया, मैं हर बार इसको पढ़ के मैं एग्जाम लिखता हूँ मेरा सिलेक्शन हो जाता है मेंस में, अगर मेंस में हो रहा था इंटरव्यू में सिलेक्ट नहीं हो पा रहा, तो मैंने उनसे गिड़गिड़ाया बहुत परेशान किया, फाइनली बोला देखो ये ले लेना लेकिन किसी को मत देना, मैंने ले लिया मेरा मुझे बहुत अच्छा मटेरियल ले जा रही हूँ, मैंने उसका फोटोकॉपी कर लिया उनका मटेरियल वापस लौटा किया, तो एक दिन मैं पढ़ रहा था तो मेरा बगल का फ्रेंड मुझसे देखा मुझसे बोला क्या हमारे पास तो बहुत अच्छा मटेरियल है तुम ले लो, अब मैं धर्म संकट में मैं पढ़ गया यार बोला कि मैं ले लूंगा, अरे मुझे लगा कि यार स्टडी मटेरियल जो है तुम सब पढ़ना चाहिए रिजल्ट आ गया,
अब देखिए कि मतलब कितना व्यक्तित्व का जो है कितना फर्क पड़ता है। मतलब हम सोचते हैं कि मतलब को क्या व्यक्तित्व का कोई देखा है कि नहीं देखा है। मेरा आईएएस में सिलेक्ट हुआ और उनका उस भैया का जो है ना केवल एक रैंक से आईएएस मिस हुआ, केवल एक रैंक से उनको आईआरएस मिला, केवल एक रैंक से। तो ये मैं कह रहा हूं कि कितना डिफरेंस होता है, यानी कि हर लेवल पे जो है आपकी परीक्षा ली जा रही है, हर लेवल पे आपका व्यक्तित्व देखा जा रहा है, कोई ना कोई देख रहा है। तो आपको जो है ना आपको सोचना ये है कि आप कैसे अपने आप को जो है व्यक्तित्व निर्माण करिए, सबके साथ फ्रेंडली नेचर के साथ रहिए, सबका हेल्प लीजिए और अपना आत्मविश्वास बढ़ाइए। तो ये नहीं देखना है कि मतलब मैं मुझे कितने लोगों ने कॉन्ट किया है, कितने लोगों ने क्या क्या बोला है, तो उसका जवाब देना होगा। उसका जवाब देने के लिए अपने को साहस बढ़ाना होगा, अपना साहस में अंदर जो है वो जो बर्निंग जिसको बोलते हैं हमारे पेट के अंदर जो है वो बर्निंग होना चाहिए कि हम कुछ हासिल करें। तो आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी, आपको मेहनत करना है, ठीक है। ओके थैंक यू। भारतीय संविधान का पालन करेंगे, उसके आदर्शों, राष्ट्रगान का आदर करेंगे, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को अपने हृदय में और प्रतिदिन